बीती रात मोहल्ला अंसारियान पुल के पास एमएम पार्टी की एक जनसभा आयोजित हुई। इस जनसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान पहुंचे, जिन्होंने मंच पर पहुंचते ही बिलारी विधानसभा के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान को निशाना बनाते हुए कहा कि हाजी फहीम तो गियो। उनके इस वक्तव्य से लग रहा था कि नेताजी निकाय चुनाव की नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से एक होने की अपील की और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां आपकी हितेशी नहीं है, इसलिए इन्हें वोट देना बंद करें और अब अपनी पार्टी एमएम को मानिए और सदर असदुद्दीन ओवैसी को वोट करें। प्रत्याशी चाहे जो हो और आपका निशान सिर्फ पतंग होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव को लड़ने के लिए जिशान आलम उर्फ गुड्डू एमएम पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और इसी विषय पर इस जनसभा का आयोजन भी किया गया था, पर जनसभा में टिकट किसे मिलेगा इस पर ना तो कोई चर्चा हुई और ना ही टिकट की घोषणा हुई, जबकि जनता अपने नेता गुड्डू कचरी का टिकट सुनना चाहती थी। कार्यक्रम में मोहित फरकानी, एहतिशाम मंसूरी, साजिद सैफी, मुर्तजा पाशा, खालिद जमा खां, हाफिज वारिस, शमीम तुर्क, सलमान अब्बासी इत्यादि एमएम नेताओं ने भाषण देकर जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अयाज एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम काफी सफल व लंबी चौड़ी भीड़ के साथ नजर आ रहा था। देखिए फैक्टम की ये रिपोर्ट। हमने जमजम दिया, बेगंगा दिया, तुमने इस देश को दंगा ही दंगा दिया और तुमने एक ही रंग बिखेर दिया पूरे देश में, जबकि इस देश को हमने तिरंगा दिया, जबकि इस देश को हमने तिरंगा दिया। अजी जाने मोहतरम, आज इस शानदार जलसे में आप लोगों का जज्बा और जुनून देखकर एक बात तो साबित हो गई है कि हाजी फहीम तो गयो, हाजी फहीम तो गयो। लगता है साइकिल पंचर होने वाली है, होगी इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ये बात मुझे चाहिए।